नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ एक खास मेहमान है, डॉक्टर कौशल पवार। किसी परिचय की मोहताज नहीं है, बस इतना बता दूं कि जिस सामाजिक व्यवस्था में जाति विशेष के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, डॉक्टर कौशल पवार ने उस जाति व्यवस्था के अधिकार को तोड़ा ही नहीं, संस्कृत में देश के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी JNU से PhD की और देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी DU में संस्कृत पढ़ाती भी हैं। तो संस्कृत की डॉक्टर हैं, समाज वैज्ञानिक के तौर पे मैं इनको जानता हूं। कायदे से समाज में जो सरांद है, साहित्य में जो सरांद है, उसका भी इलाज करती हैं। लेकिन यह सफर बहुत आसान नहीं था। हरियाणा, मैं फिर कह रहा हूं, हरियाणा जहां सबसे ज्यादा लैंगिक भेदभाव है, जहां कोख में बेटियां मार दी जाती हैं और SC ST OBC माइनॉरिटी, कहा जाता है कि बने फिरे सरपंच MLA जो मांगे सीत बरोला में, ये हरियाणवी जो लोग समझते होंगे वो जानेंगे, उस माहौल से, उस परिवेश से, उस बवंडर से निकलती हैं। बवंडर समझ रहे हैं ना, बवंडर एक तूफान होता है जिसके बीच में खाली होता है, वो चारों तरफ से आपको घेर लेता है। तो उस बवंडर से निकलती हैं और उसके बाद वहां तक पहुंचती हैं जहां तक पहुंचना एक इंसान के लिए सपना होता है और बहुजन समाज तो उसे असंभव मान के छोड़ देता है। यह अतिशयोक्ति नहीं है, मैं कुछ लंबा बैकग्राउंड नहीं बांध रहा हूं, सब दरअसल ये सच्चाई है। और इस देश के उन तमाम महिलाओं को जो पेट्रियार्की, जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, जो बराबरी की लड़ाई लड़ रही है, चाहे वो किसी जाति मजहब से हो, उनको कौशल पवार के साथ खड़ा होना चाहिए और उनकी जिंदगी से प्रेरणा लेनी चाहिए और हो सकता है कि वो भी बवंडर से अपने आप को निकाल पाए। उनकी एक आत्मकथा आई है, दर्जनों किताब उनकी छप चुकी है, कई बार आपने उनको नेशनल दस्तक पर देखा है, सामाजिक आंदोलन में सक्रिय रहती है, लेकिन उनकी एक आत्मकथा आई है, अपनी कहानी, नाम भी उन्होंने दिया है। मैम जरा किताब दिखाइए एक बार, बहुत शानदार है और यह है बवंडरों के बीच। तस्वीर में जो मेरी जानकारी है उनकी माता जी हैं जिनसे वो बहुत प्रभावित हैं और बगल में शायद चाचा जी हैं या पिताजी, मैं नहीं बता पाऊंगा। चाचा हैं। देखिए वो मैं, मुझे अंदाजा था कि एक चाचा है उनके जिंदगी में जिन्होंने रास्ते पर चलने में बहुत मदद की है और उसके बीच में है कौशल पवार। तो बवंडरों के बीच डॉक्टर कौशल पवार आज सवालों के बीच है। मैम शुक्रिया समय देने के लिए और बधाई हो एक ऐसे तबके को जिसको कलम छूने का अधिकार नहीं था, वो आत्मकथा लिखने लगे, तो ये तो बवंडर है ही। क्या कहेंगी पूरे देश के नेशनल दस्तक के दर्शकों को? मैं धन्यवाद देती हूँ नेशनल दस्तक के तमाम दर्शकों को, बहुत बड़ा चैनल है, बहुत संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और भी जुड़ते जा रहे हैं, तो मैं आभारी हूँ आपका शंभू कि आपने अपने कीमती समय में मेरे लिए समय निकाला बवंडरों के बीच पर बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। क्यों नाम रखा आपने बवंडरों के बीच? देखिए दरअसल ये नाम बहुत सारी प्रक्रिया से गुजर के है और इसके नाम के पीछे की जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान जो काम कर रहे हैं वो ये है कि मेरे जीवन का संघर्ष, जैसे कि आपने अपने परिचय में भी बता दिया, अभी पूरा नहीं हुआ है, संघर्ष अभी जारी है और फॉर्मेशन बदल गई है, कास्ट एंगल बदल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कास्टिज्म खत्म हो चुका है या शोषण खत्म हो चुका है या जो संघर्ष है वो उस पर विराम लग चुका है। ना तो शोषण खत्म किया हुआ अभी तक जातिवादियों के द्वारा खत्म किया गया, ना ही मेरा संघर्ष खत्म हुआ, अभी भी मैं बवंडरों के बीच में ही हूँ। भले ही मैंने JNU जैसे प्रतिष्ठान से, जो भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का भी जाना माना इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, वहां से मैंने अपना डॉक्टरेट किया था शूद्रों पर, धर्मशास्त्रों में शूद्रों की क्या स्थिति है इसको लेकर, अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रही हूँ, बावजूद इसके मैं आपको कह रही हूँ कि अभी भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ, अभी भी मैं बवंडरों के बीच में हूँ। इसलिए इस शीर्षक का जो चयन है, मेरे मित्र हैं फारूक शाह, गुजरात से हैं, उन्होंने भी इसको बहुत पसंद किया, सराहा कि ये बहुत अच्छा टाइटल है। मेरे तमाम मित्र प्रोफेसर अजय नवरिया, आदरणीय कमल भारती जी और मुकेश जो मेरे लाइफ पार्टनर भी हैं, सबने इस टाइटल को सराहा और खासकर जो
मर्जिनलाइज्ड प्रकाशन है, संजीव चंदन मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने इसको प्रकाशित किया है और संजीव चंदन को भी ये टाइटल बहुत पसंद आया। इसका मनोविज्ञान मैंने बता ही दिया, इसके पीछे का जो कारण है वो यही है कि तमाम आज सुविधा भी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आज मैं एक तरह से लगभग करियर के मामले में सफल जिंदगी तो है ही, लेकिन उसका अभी तक एक तरह से कहिए कि संघर्ष अगर खत्म हो गया है तो कहा जा सकता है कि आपको अब वंडरों के बीच में रहने की जरूरत नहीं, आप इससे बाहर निकल आइए। किताब पर आएंगे वो तमाम तमाम खासकर शोषित वंचित समाज की तो बात कर ही रहे हैं, वो तमाम महिलाएं जो घर में सीमित कर दी गई हैं, जो रोज मार दी जाती हैं, उनके लिए क्या कहेंगी कि ये जो बवंडर पार करने की जो ताकत है ये कैसे लाएं, और कौशल पवार ने उसको कैसे जिया है, कैसे उन्होंने बैरियर्स तोड़े हैं, थोड़ा बताइए उन कहानियों के बारे में, जब पीएचडी से आपको रोका गया, जब ईंट भट्टा पे आपको काम करना पड़ा, जब मतलब जाति विशेष, आप मैं बता दूं कि मैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जिसको बहुजन कहता हूं, इस देश की दुर्भावना है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने हजारों जातियों को एससी एसटी ओबीसी में, डॉक्टर कौशल पवार उस समाज से आती है जिसको लेकर आज भी एट्रोसिटी एक्ट में केस दर्ज होता है और लोग कहते हैं कि मैं भंगी नहीं दिखना चाहती हूँ, वाल्मीकि समाज से हैं और शानदार मतलब चाहे वो विचार का मसला हो चाहे वो ताकत का मसला हो, शानदार व्यक्तित्व की मालकिन है। शंभु बिल्कुल सही कहा आपने कि मैं जिस समुदाय से आती हूँ, जिस जाति से आती हूँ, उस जाति में आज भी आप जानते हैं दिल्ली जैसे शहरों में भी उसी जाति के लिए ये काम दिया गया है, सीवर जैसी सफाई का या मैला उठाने का। मैंने इवन आपने जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जहां से मैंने अपना मास्टर किया था उस दौरान भी मैंने इसी काम को किया, मेरी नानी के साथ आत्मकथा में मैंने उसको बेबाकी से लिखा है। मैं आपकी बात ये कहना चाह रही हूँ आपकी बातचीत में कि साहित्य बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, वो तमाम प्रेरणाएं जो साहित्य में हमें दिखाई देती है मिल जाती हैं उनसे, जो हमारे अपने सामाजिक आंदोलनों में काम करते हुए या आप यूं कहिए कि जब आप इतिहास का अध्ययन करते हैं या इतिहास में झांकते हैं तो आपको आत्मबल मिलता है, इसीलिए मैंने इसको लिखा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे समुदाय की, न केवल मेरे समुदाय की बल्कि जो वंचित जमात है एससी एसटी ओबीसी समाज है जिनमें महिलाएं खासकर लड़कियां खासकर जो झेलती हैं और झेलते हुए अपने हथियार डाल देती हैं, आगे पढ़ाई नहीं कर पाती, अपना जीवन एक तरह से जैसे एक ट्रेडिशनली जो माँ बाप चाहते होते हैं, शादी कर दिया, ब्याह हो गया, बच्चे पैदा हो गए, लेकिन मैंने इसको लिख को तोड़ा है और यही वजह थी कि मैंने इसको आत्मकथा में भी लिखा था कि लोग खासकर वो लड़कियां जिनके पास संसाधन नहीं है, जो जो ये मान के बैठ जाती हैं घर में कि हमारे पास पैसा नहीं है, परिवार पैसा नहीं दे सकता, या ये कहिए कि आपके पास उस तरीके की सुविधाएं नहीं है कि आप यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन ले लें, तो इसको इसके लिए मैंने ये लिखा है, तमाम जो जो मैंने संघर्ष झेला। बस एक छोटी सी घटना का जिक्र करूंगी इसमें कि मैंने ये आत्मकथा जब लिखी, इसके लिखने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था वो था प्रोफेसर सुखदेव थोरट, आप सब परिचित हैं, यूजीसी के एक्स चेयरमैन रहे हैं, उनसे जब भी मुलाकात हुई, मेरे से तो बहुत बड़े हैं, मैं बहुत आदर्श के साथ, मेरे पिता के समान है और उनकी उनका चेहरा भी मेरे पिता से चाचा से मिलता है, सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट रहे जी बिल्कुल, मुझे जब जब देखा, जब जब उन्होंने मुझे देखा तब तक उनको याद रहा, जहां भी मिल जाते हैं मुझे सबसे पहले यही सवाल पूछते कि आत्मकथा लिखी आपने, तो मैंने हमेशा उनको टालती रही, मैंने कि सर अभी तो नहीं लिखा, लेकिन एक दिन उन्होंने बहुत सीरियसली मुझे बिठा के जेएनयू में कैंपस में कहा कि आपकी आत्मकथा इसलिए लिखी जानी चाहिए कि आपको इसका इसकी शोहरत हासिल हो या साहित्य में एक नाम हो, बल्कि इससे कई गुना ज्यादा उस समुदाय के लिए आप लिखें, जो जो समुदाय की लड़कियां जो हार मान जाती हैं, कितनी कौशल निकली हैं, शंभु आप जानते हैं, आप तो तमाम भारत के हर एक कोने में जाते हैं, कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो हायर एजुकेशन ले पाती हैं या अपनी जिंदगी को अपने अपने हिसाब से जी पाती हैं,
बाबा साहब अम्बेडकर की विचारकी को जी पाती हैं, सावित्री बाई फूले का जो आंदोलन रहा उसको जी पाती हैं। कितनी लड़कियां हैं आपसे बेहतर मुझे लगता है कोई नहीं जानता, भारत के हर एक कोने में जाते हैं। तो इसलिए सुखदेव थोराट का हमेशा ये जोर रहा, तो मैंने कहा कि सर ठीक है मैं कोशिश करूंगी लिखने की। तो तब मैंने मुझे लगा कि नहीं लिखा जाना चाहिए, और मैंने इसमें भूमिका में भी लिखा है कि प्रोफेसर थोराट का जब भी आमना सामना होता वो तुरंत मुझे टोकते। और फिर मुझे सबसे बड़ी प्रेरणा इस रूप में भी लिखने की लगी कि सत्यमेव जयते जब आया तो तमाम लड़कियों ने मुझे फोन किया, ऐसे गांव देहात से फोन आए मेरे पास और उन्होंने ये कहा कि हम आपकी ना आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे, आप अपनी आत्मकथा लिखिए जिसमें वो सारे पहलू आप देखिए। शंभू मैं आपको बता दूं और आपके तमाम दर्शकों को, आत्मकथा लिखना इतना आसान नहीं होता है, उस पीड़ा को उस दर्द को आपको झेलना होता है, दोबारा फिर से जीना होता है, वो लम्हे वो पल वो यादें वो मतलब शोषण का सामना करते हुए जो जो महसूस करता है व्यक्ति उसको दोबारा याद करके उसको लिखना इतना आसान नहीं है, बहुत जीना मरना पड़ता है उसके लिए, उस जीने के लिए, लिखने के लिए जीने की जो ताकत चाहिए उसके लिए मरना पड़ता है आपको, तब आपकी आत्मकथा लिखी जाती है। और मेरे लिए मैं आप जब बवंडरों के बीच का आत्मकथा को पढ़ेंगे इसमें आपको बहुत सारे ऐसे वाक्यांश नजर आएंगे जो मैंने हूबहू लिए हैं, क्योंकि जिंदगी बहुत आसान नहीं थी, रहा बहुत कठिन थी। आप देखिए कि आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, जहाँ विश्वविद्यालय में लड़कियां छात्रावास में पढ़ती थी, वहां उनके पीछे मैं झुग्गी लेके रही, टॉयलेट बॉयज हॉस्टल के बैक साइड में जो बिल्कुल टॉयलेट के पार जाके था, वहां पे मैं झुग्गी में रही हूँ। एम ए में मेरा मास्टर मेरा वहां से हुआ है, वहां जंग संस्कृत में जी, वहां जहाँ टॉयलेट के लिए भी लाइन लगती थी, मुझे आज भी याद है मेरा एग्जाम था और टॉयलेट की लंबी लाइन लगी हुई थी और मुझे शौचालय जाना ही जाना था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, खुले में जा नहीं सकते क्योंकि हॉस्टल था वहां पे। आप हरियाणा से हैं, कुरुक्षेत्रा से आपने एमए किया, जेएनयू से पीएचडी किया, ये तो एक सफेद पक्ष है जी, वो एक मतलब मैं वो एक टर्निंग पॉइंट बताइए आपकी जिंदगी का, वो जो ईंट भट्टे पर काम हो या वो टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा, जब कई बार हौसला आपका भी टूटा होगा, थाने आपको भी बार टूटा है, बहुत बार टूटा, लेकिन तो कौन लोग थे जो एकदम थामे हुए थे आपको कि नहीं यू हैव टू डू, बेटी आपको करना है, करना ही है आपको। देखिए मेरी जिंदगी का सबसे क्रूशियल टाइम और टर्निंग पॉइंट रहा मेरा एमए, जिसका मैं अभी आपसे जिक्र कर रही थी, उसने मेरी जिंदगी के मायने बदल दिए। वहां से पहले तक मेरे सामने जो एक आदर्श था, मैं किरण बेदी को बहुत आदर्श मानती थी अपना, और किरण बेदी बनना चाहती थी, मुझे वर्दी बहुत अच्छी लगती थी, आईपीएस में बनना चाहती थी, मैंने चोरी चोरी अपनी तैयारी भी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन मेरे चाचा मुझे चाहते थे कि मैं मैडम बनूं, वो मैडम ही बोलते थे मुझे, प्यार से भी, कई बार गुस्से में भी बोलते थे, कई बार सबके बीच में बोलते तो लोग मजाक उड़ाते थे, मेरा खुद मेरा पूरे परिवार भी कई बार मजाक उड़ाता था, ताने देते थे, हरियाणवी में जो लोग समझ सकते हो सीधा बोलते थे कि देखेंगे कब मैडम बनेगी, मैडम मैडम करता रहता है सारा दिन। तो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट वहां से, हरियाणा में बोल के सुनाइए ना, यही कि देखेंगे कब बढ़ेगी मैडम, मैडम मैडम कहे सारा दिन यूं मान के, यूं नहीं पता कि सिर के ऊपर टोकरी ठानी है सारी उम्र तक, बच्चे ही पालने हैं, रोटी बनानी है किसी के घर की, मैडम करते बन जाएगी, तो एक ये मतलब सुनने में आता था, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट नहीं था, मैं बिल्कुल एकदम बेबाकी से बता रही हूँ। टर्निंग पॉइंट लाइफ में तब आया जब मेरे चाचा की डेथ हुई, तब के बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, अपना सपना भी साइड में कर दिया, मैंने ये बनाया कि मैं डॉक्टरेट की डिग्री लेनी है, और उससे पहले एक मेरे सामने उद्देश्य तो आ चुका था कि मुझे करना क्या है, जब मेरे टीचर ने मुझे धमकाया था कि तुम्हें तो दूसरों के घर में कूड़ा ही उठाना है, क्या करेगी पढ़ के, की घटना तो है कुरुक्षेत्र ये जेएनयू की घटना है कुरुक्षेत्र की, नहीं नहीं ये छोटी क्लास की है, बिल्कुल स्कूलिंग जब मेरी चल रही थी, जब सब्जेक्ट चेंज हुए थे, जब मैंने संस्कृत एज ए सब्जेक्ट ली, तो उस दिन बड़ा अंदर से टूटा था बहुत कुछ, तो लेकिन उसमें चाचा ने ये तय करवाया मुझसे कि रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यही पढ़नी है, और ये जो कह रहा है कि कुड़ाई उठाएगी ये नहीं करना, सारी उम्र तक ये नहीं करना, तुम्हें अपनी टीचरों का साथ मिला एमए की अगर बात करें तो, कुछ ऐसे प्रोफेसर मिले जिन्होंने
देखिए इस मामले में मैं बहुत कंगाल रही हूँ शंभू। बहुत लोगों के करियर बनते हैं अपने टीचर्स के साथ, उनको टीचर्स ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में, मेरे इवन जेएनयू तक के सफर में, मैं ये नहीं कह रही कि मैं एहसान फरामोश हूँ। मेरे अध्यापकों ने मुझे पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया, मैं आज तक भी उनका सबका एहसान मानती हूँ। लेकिन कोई ऐसा रहा हो, किसी ने कोई इस तरीके से मदद की हो कि इसको कुछ करना है लाइफ में, निस्वार्थ निश्चल, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा याद नहीं पड़ता। अध्यापिका महिला महिला प्रोफेसर आपकी जिनको नहीं, मेरी लाइफ में बल्कि महिलाओं का तो बहुत खराब रोल रहा है, ईमानदारी से कहूँ तो। मुझे आज भी याद है, मैंने एमफिल जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमडी यूनिवर्सिटी में रोहतक से मैंने जब एमफिल किया, अपना डॉक्टरेट में करना चाह रही थी, महिला ही टीचर थी जिसने मुझे ये बोल दिया था कि कौशल मैं जितना तुम्हारी आर्थिक स्थिति को जानती हूँ, तुम डॉक्टरेट करके करोगी क्या, तुम थोड़ा स्कूल स्काल में पढ़ाना शुरू करो, थोड़े दो पैसे भी कमाओगे, क्या करोगी पढ़ के आगे। तो मेरे टीचर ने लगता था कि पढ़ेगी डॉक्टरेट करेगी तो प्रोफेसर बन जाएगी, जाहिर सी बात है टीचर बिल्कुल एकदम टीचर बनेगी तो खैर जातिवाद कायम हो गया, फिर टीचर बनेगी तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाओ प्राइवेट स्कूल में थोड़ा बहुत पैसे मिल जाएंगे, खर्चे क्या करेंगे। आपने कब तय किया कि मुझे महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ना है, महिलाओं के अधिकारों के लिए सचेत होना है? मुझे बेसिकली शंभू, मैंने मेरी माँ को बहुत संघर्ष करते हुए देखा है, और आज मैं ये कहूँ कि मेरी लाइफ दो हिस्से में बटी हुई है। एक हिस्से में पूरी तरह से समर्पण था मेरे चाचा का, एमए तक का सफर चाचा ने किया, तब तक मेरी माँ मेरे साथ उस तरीके से नहीं थी, क्योंकि मेरी माँ की जो परवरिश हुई थी वो भी पढ़ी लिखी महिला थोड़ी ना थी, वो भी ऐसे कोई परिवार से नहीं आई थी कि बहुत प्रोग्रेसिव रही हो, लेकिन क्योंकि चाचा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे, तो मेरी माँ की इतनी हिम्मत चाचा के सामने होती नहीं थी कि मेरी पढ़ाई छुड़वा दे। अच्छा, आपके पिताजी बचपन से ही, माँ के बजाय मैं चाचा के साथ ज्यादा नजदीक रही हूँ। अच्छा, पिताजी थे, पिताजी थे। हाँ, पिता मेरे फादर, मतलब चाचा का मतलब यहाँ मेरे फादर से है। तो लेकिन मेरी माँ, क्योंकि आसपास की कभी कोई लड़कियां जाती ही नहीं थी पढ़ने के लिए कॉलेज में, नहीं, नहीं, चाचा फादर दोनों अलग अलग होते हैं, अंकल एंड फादर, आप फादर को चाचा कहते थे। हाँ, मेरे यहाँ पूरे मेरे समुदाय में जो परिवार थोड़े से ज्यादा आगे बढ़ गए या बाहर चले गए, वो तो पिता बोलते हैं, पापा बोलते हैं। अच्छा, लेकिन जो हमारा जो मतलब जिस तरीके का मेरा माहौल रहा है, हम लोग शुरू से ही अपने फादर को चाचा ही, तो मैं मेरे चाचा की बात कर रही हूँ, मतलब मेरे फादर, और मेरे मुंह से आज भी चाचा ही निकलता है, फादर नहीं, मतलब पिता नहीं निकलता या पापा नहीं निकलता, हम शुरू से चाचा बोलते हैं, मुझे चाचा ही बोलना अच्छा लगता है। चाचा मेरे अंकल की बात नहीं कर रही, मैं मेरे फादर की बात कर रही हूँ। Okay, तो जब चाचा एक्सपायर हुए उन्होंने, फिर उसके बाद माँ ने मेरा जो हाथ थामा, वो आप ये देख लिए शंभू कि तमाम देशों की यात्राएं करने का हो, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, लंदन हो, जापान हो, स्विट्जरलैंड हो, मलेशिया हो, दुनिया घूमी है आप, उसकी कहाँ होंगी, आई होप आपने जो दुनिया देखी है, जापान में एक महिला ने आपको छाता दे दिया, बारिश होती है, माँ की वजह से, क्योंकि माँ को तो मैंने, वो सारी कहानियां हैं इसमें जो आपके विदेश के। हाँ, बिल्कुल इसमें है, कितने, हाँ, लेकिन सुन लो, एक चीज मैं बता दूं, ये जो आत्म कथा है बवंडरों के बीच, ये पार्ट वन है। पार्ट वन में मेरा स्कूलिंग एजुकेशन और मेरा पढ़ाई का पूरा हायर एजुकेशन तक का सफर इसमें है, तमाम किस तरीके से मैंने पढ़ाई की है, बेहतरीन पार्ट और आना है। आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा, जो विदेशों के जो अनुभव हुए हैं वो मेरा सेकंड पार्ट में आएगा, उसको मैंने लिखना शुरू कर रखा है, और अभी तो नहीं खैर, लेकिन 2022 तक आपके सामने सेकंड पार्ट आ जाएगा, उसमें तमाम सामाजिक आंदोलनों में क्या भागीदारी है उसका वर्णन उसमें है। अभी तक ये ज्यादा ज्यादा शानदार है, ये आपका जो बढ़िया पक्ष है वो अब आएगा, लेकिन जो संघर्ष है, जो हमें जानना चाहिए कैसे हमें इससे उभरना है, कैसे निकलना है, वो पक्ष इसमें है। वो सेकंड में भी कुछ और मैम बताएंगी जो सबसे ज्यादा आपके करीब रहा हो, एक कोई घटना जिसने आपको एकदम से मजबूत बना दिया हो या एकदम से तोड़ दिया हो और आप उसे उभरी। दोनों दोनों चीजें ही रही, एकदम से मजबूत भी बनाया और एकदम से तोड़ भी दिया। तोड़ा मैंने बता दिया आपको, मैं जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में थी और चाचा का चला जाना बहुत बड़ी टूटन थी मेरे लिए। आप जान के हैरान होंगे कि मैं 3 महीने बहुत डिप्रेशन में थी, लेकिन मेरे दोस्तों ने उस वक्त बहुत साथ
दिया, जिसमें मुकेश थे, पूनम थी, विमल थी, वो तमाम इनका वर्णन मैंने किया हुआ है इसमें। डॉक्टर कृष्ण कुमार थे, एमए के जो मेरा बैच रहा उन्होंने मुझे संभाला, पूरा 3 महीने मुझे लगे थे उसमें से निकलने में, और तब तक मुकेश मेरी लाइफ में आ चुका था। मुकेश जो आज मेरा लाइफ आप का लव मैरिज है। हाँ बिल्कुल, तो ये कहानी तो जरूर होगी। तो ये मैंने प्रोफेसर तुलसी राम की वो पढ़ी है, मुर्दैया, वो कैसे ट्रेन से 250 किलोमीटर आते थे बनारस। लगभग ऐसा ही है ये मान लो, क्योंकि मुकेश जब फादर एक्सपायर हो गए थे मेरे, तो हम लोग मिले भी बहुत दूर थे, आंध्र प्रदेश में जाके विशाखापट्टनम में ट्रेन में मिले थे हम लोग। और बस उसके बाद, क्योंकि मुकेश मुझे जानते तो थे कि मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, और मुकेश मेरे सीनियर थे, मुकेश एमडी यूनिवर्सिटी में एमफिल कर रहे थे उस वक्त। अच्छा। हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी हमारी बिल्कुल अलग अलग थी, हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन में मिले थे, ऐसे ही मुलाकात हुई थी। उसके बाद मुकेश तो मुझसे परिचय मुझे नहीं था, मेरा परिचय नहीं था, मुकेश का मेरे से परिचय था, मुकेश मुझे जानते थे। जब फादर एक्सपायर हुए तो मुकेश ने ऐसे ही बातचीत की। अच्छा, मैं कोई बातचीत तो नहीं पूछूंगा, ये सब आत्मकथा है, तो इसमें तो ट्रेन में हुआ है कुल मिलाकर, मैं ये कहना चाहती हूँ। इंटरेस्टिंग भी है, आपने बहुत कुरेद कुरेद के पूछ ही लिया। हमारा ट्रेन में हमारी एक तरह से मुलाकात हुई थी, और फिर वो ट्रेन जाके सीधा गांव में, राजवंद गांव में बारात पे रुकी, और मैंने बिना दहेज के शादी की हुई है, केवल 10,000 रुपए में। अच्छा, ये जो जो हमारे जो युवा हैं, जो पायल तडवी हो, रोहित जमूला हो, खासकर जो यूनिवर्सिटी में आके क्रश कर दिए जाते हैं, उनको कैसे मदद करेगी आपकी आत्मकथा, कैसे ताकत ताकत मिलेगी उनको, पढ़ना चाहिए उनको जो हमारे यूथ है। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं सोच रही थी कि आप ये पूछे। वो इसलिए क्योंकि अगर आप केवल सुविधा मिलती रहे आपको और कोई कष्ट आपको ना हो, तो मुझे लगता है आप मंजिल नहीं पा सकते। मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि अगर हमारे विद्यार्थी, हमारे छात्र जब यूनिवर्सिटीज के अनुभव को पढ़ेंगे, इसमें है जेएनयू तक का, इसमें पूरा का पूरा व्याख्या, मतलब समाहित है पूरा का पूरा संदर्भ, लेकिन जब युवा इसको पढ़ेंगे तो उनको इस बात की प्रेरणा मुझे लगता है जरूर मिलेगी। मेरी आशा है ये कि आप संघर्ष को चुनौती की तरह लें, जो भी आपके सामने कोई डिफिकल्ट आए, कोई भी सवाल आए या स्थितियां आए, तो उसमें आपको हारने की जरूरत नहीं है। जिद करिए हासिल करने के लिए कोई भी चीज, जिद्दी होना बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी चीज को पाने के लिए जिद नहीं पालेंगे, तब तक आप जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते। मैं शुरू से ही जिद्दी रही हूँ। कुछ और आप बता, बताए बताए बताए। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि जिद्दी होना बहुत जरूरी है अपने अधिकारों के प्रति हासिल करने के लिए, अपने शोषण से मुक्ति पाने के लिए। कई बार हमारा खुद का अपना संघर्ष भी होता है, जो हमें जो अंदर लड़ता है हमारे बीच में, जब हम इसमें दोराहे पे खड़े हो जाते हैं कि ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे रिश्ते नाते दोस्त भी आपको छोड़ने पड़ते हैं। आप सबको खुश करके आप अपनी जिंदगी का मुकाम हासिल नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी चीजें इसमें छोड़नी पड़ती हैं, और वही छोड़ते हुए जब आप निकलते हैं, एक रास्ता आप तय कर लेते हैं। आपको असल में हमारे विद्यार्थियों को, छात्राओं को रास्ता तय करना पड़ेगा। आपका रास्ता क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप अपनी मंजिल तय नहीं करते, तब तक आप रास्ता चुन नहीं सकते। रास्ता तभी मिलेगा जब आपकी मंजिल पहले से तय होगी। तो मुझे लगता है कि जब हमारी जो तमाम आत्मकथाएं जितने लोगों ने लिखी है, इवन मैंने भी जब अपनी आत्मकथा लिखी, उससे पहले तमाम लोगों की आत्मकथाएं पढ़ी, सुशीला टैगोरे ने लिखा, कौशल्या बैस्त्री ने लिखा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है झूठन, तमाम लोग, मोहनदास ने मिश्राए, और कितने सारे लोगों ने आत्मकथा लिखी है, अनिता अपना रजनी तिलक ने लास्ट में आत्मकथा लिखी, जितने लोगों ने आत्मकथा लिखी, जब आप पढ़ते हैं उनको, तो ये लगता है कि हमारा संघर्ष तो कुछ भी नहीं है। तो उनको उनको अपनी चुनौती बहुत छोटी लगेगी। फिर ये मेरा मकसद है हमें छात्रों को संबोधित करने। मैम, आपकी कौन सी किताब है, कितनी नंबर की किताब छपी है अब तक, कितनी किताब? मेरी ये 8वीं किताब है। 8वीं किताब। मैंने मेरा डॉक्टरेट है वो मेरा शूद्र स्त्री विमर्श पे है, शूद्रों पे है। उसके बाद इंडिपेंडेंट मेरा रिसर्च है शूद्र स्त्री को लेकर, तमाम वेदों में क्या थी स्त्रियों की स्थिति, धर्मशास्त्रों में क्या थी, आगे आपके मतलब शूद्रों की क्या स्थिति रही, और फिर मानवाधिकार के सवाल कैसे उसमें से निकल के आते हैं। और फिर मैंने ट्रांसलेशन भी किया एक बुक का, शूद्र अनिकम,
तो ये सारी मिला के ये मेरी आठवीं पुस्तक है, आत्मकथा। जी जी सुधर, कुछ ऐसा जो मैं नहीं, सवाल मुझे नहीं समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैं खुद लूंगा इसे, पढ़ूंगा, फिर आगे भी इस पर हम लोग बातचीत करेंगे, जो आप अपने तरफ से देश को और पूरी दुनिया में जब ये वीडियो जाएगा तो आप बताना चाहती हैं? मैं इसमें लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि हमारे पुरखों ने, खासकर जो हमारे जो दलित साहित्यकार रहे हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं दलित साहित्य को विमर्श में लाने के लिए। तमाम पहली पीढ़ी के लोगों का संघर्ष है, उन्हीं की बदौलत हम साहित्य में अपनी पहचान बना पाए हैं। जो एक साहित्य एक गढ़ रहा था, जो जिसके सौंदर्य के मापदंड भी अलग रहे हैं, दलितों के मापदंड सुंदरता अलग है और उनका नक्षिक वर्णन की सुंदरता का पैमाना अलग है। तो जितने लोगों ने जो संघर्ष करके दलित साहित्य की स्थापना की है, मेरी आत्मकथा में आपको न केवल संघर्ष दिखाई देगा, रोना पीटना दिखाई देगा, बल्कि चुनौतियां दिखाई देगी और उसका सामना आपको हल भी मिलेगा और चुनौती भी सामने आती हुई दिखाई मिलेगी। तो इसलिए दलित साहित्य को एक तरह से इनरिच करने का काम मेरी आत्मकथा करेगी, मुझे ऐसा लगता है। और मैं अंत में आपको ये कहूंगी कि एक भी व्यक्ति अगर मेरी आत्मकथा को पढ़ के अपने जीवन संघर्ष को आगे ले पाता है, अपने जीवन में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को स्थापित करते हुए फुले अम्बेडकरी विचार के को लेकर आगे बढ़ता है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। नेशनल दस्तक की कोशिश होगी कि डॉक्टर कौशल पवार से हम लगातार बातचीत करें। मैं फिर मैं किताब कहने खरीदने के लिए नहीं कहूंगा आपको, मार्लाइज प्रकाशन से मैं ये बात, आप अमेजन से, मैं अंत में ये कहूंगी कि आप अमेजन से ले सकते हैं, अमेजन का लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप उसको शेयर कर सकते हैं। दलित द मार्जिनलाइज्ड प्रकाशन से प्रकाशित है, संजीव चंदन ने इसको आपको छापा। कहने की जरूरत नहीं है मैम, मैं फिर कह रहा हूँ जी, किताब मैं आपको बिल्कुल खरीदने के लिए नहीं कहूंगा, मैं फिर ये जरूर कहूंगा कि अगर आप संघर्षों से जीतना चाहते हैं, सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, तो मैं निजी तौर पर डॉक्टर कौशल पवार को जितना जानता हूं, मुझे उनके साथ यात्रा का भी सौभाग्य मिला है थोड़ा बहुत। मैंने कई सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बात जाकर उनसे मिला हूं, उनके घर भी गया हूं, कई सारे मैंने उनके लेक्चर सुने हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप हार नहीं मानना चाहते, मुश्किलों से घबराना नहीं चाहते हैं और समाज के लिए अपने निजी जिंदगी में एक मुकाम चाहते हैं, तो आपको कौशल पवार की जिंदगी को चखना पड़ेगा। और उन्होंने एक वो किताब लिख दिया है, आप चखिए उनकी जिंदगी को, आपको लगेगा कि सफलता बहुत टेढ़ी चीज भी नहीं है, उसको पाया जा सकता है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और लिंग के नाम पर जो शोषण होता है उसे लड़ा भी जा सकता है। अगर आप इन सब चीजों को चाहते हैं तो आप किताब देखिए, पढ़िए, वो कौशल पवार अपनी जिंदगी कैसे जी है उन्होंने वो बताया है। शुक्रिया मैम हमें समय देने के लिए। थैंक यू शंभू, तमाम दर्शकों को, आप सबको जय हिंद, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।